यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकार दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति
धीरज धर
हरे रज घर तेरे सुख के हरे दिन आएंगे तकदीर सूरज चमकेगा गम के बादल हट जाएंगे रज घर मनवा धरे ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चल, अपना श्रृंगार करो, पर चिंतन से अपना श्रृंगार मत बिगाड़ो, टाइम वेस्ट ना करो। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चल कर अपना श्रृंगार करो। बच्चे देख, विचार कर, तेरा जो श्रृंगार है वो तुझसे है, किसी और से है या बाप से है? चेक करो। अब ये जो बैठे हो किससे बैठे, ये तुम्हारी पद्धति है या बाप की पद्धति है बैठने की? चेक करो बच्चे। ये जो तुम मुरली सुन रहे हो जिस प्रकार से भी अंदर, वो किसकी पद्धति है? चेक करो। हर बात बच्चे, जैसे तुम ज्ञान का चिंतन मनन मंथन करते हो, कौन कराता? बैठने से पहले क्या अपने बाबा को कहा, बाबा आपकी मुरली सुनाने वाले आप, सुनवाने वाले आप, जैसे बिठाना है बिठाओ। चेक करो, जहां बिठाना है बिठाओ। चेक करो, समझ है बच्चे? जो सेवा करनी है कराओ। देख बच्चे, श्रीमत पर चलकर श्रृंगार करना है, आपके पास शांति होगी। श्रीमत अनुसार है या आपकी या परमत की शांति है? विचार करो बच्चे, कहाँ की शांति है? श्रीमत की, मनमत या परमत की है? किसकी शांति? जो भी गुण आपके पास है किससे आए, विचार करो। समझ की बात है सारी बच्चे? जो बाप से आया है वो अविनाशी है, और जो तुम्हारी मत से जन्मा है या किसी और से जन्मा है
वो विनाशी तो है पर तुम्हारा भी विनाश करेगा अगर तुम में है तो। इसलिए हर बात को देखो बच्चे, हर बात को सोचो, विचार करो। कोई कोई बच्चे 36 से मेरे साथ चल रहे हैं पर एक भी श्रृंगार नहीं कर पाए। मनमत, मनमत वाले का कभी श्रृंगार नहीं होता, उसको सब अपने हिसाब से चाहिए। और इस मार्ग पर बच्चे जब तक तुम हंसते खेलते चल रहे हो तब तक बड़े खतरनाक फेज में हो, संभल कर रहना। क्योंकि हंसना खेलना सिद्ध करता है कि बहुत सारे विकर्म विनाश करने अभी तक बाकी है। जैसे एग्जाम का टाइम होता है फरवरी मार्च अप्रैल का, और कोई बच्चा क्रिकेट खेलने जाता है, बाहर घूमने जाता है, हंसता रहता है, नाचता गाता रहता है, क्या कहते लोग, ये गारंटेड ना पास होगा, गारंटेड ना पास हो जाएगा, ये पास होगा ही नहीं, पास होना इम्पॉसिबल है इसका। सेम बात, इस गंभीर समय पर तुम्हारा हंसना खेलना सिद्ध करता है तुम नापास हो जाओगे। संकल्प निकट कर, एक एक सेकंड वैल्यूएबल है। गंभीरता में आओ, एक सेकंड के लिए भी व्यर्थ बात ना हो, सेवाओं में भी एक सेकंड के लिए भी मस्ती मजाक काफी हुए, हंसी मजाक काफी हुए, यहां वहां की बातें काफी हुई। समझ है बच्चे, बच्चों को देखना है, योग में बिठाऊं 15-20 मिनट के बाद कुछ कॉमेडी लगा, देखो कितने हंसते, और योग में। समझ है, मना अभी भी संसार की चाहना है अंदर, इसलिए इनका योग हो नहीं पा रहा है, ये दिखावा कर रहे हैं। बच्चे देख अपने अंदर, यात्रा समाप्त होने आई है फिर भी तुझे सांसारिक खुशी की चाहना है, सांसारिक मौज की चाहना है, संसार की चाहना है। बच्चे मरने का समय आया, घर जाने का समय आया, अभी भी तो संसार में पड़ा है, क्या होगा फिर तेरा, बल्कि चेक करना चाहिए। आत्मा के अंदर इतनी गुण शक्तियां हैं, क्या सबका पूरा श्रृंगार हुआ है, चेक करो। ज्ञान का श्रृंगार हुआ है पूरा, ज्ञान का, बच्चे बच्चे ज्ञान का श्रृंगार हुआ है पूरा, तो क्या कर रहे हो। शांति का श्रृंगार हुआ है पूरा, तो क्या कर रहे हो। पवित्रता, सुख, प्रेम, शक्ति, अष्ट शक्तियां, दिव्य गुण, तो कर क्या रहे हो तुम यहां पर। अगर तुम में कोई पूरा पूरा श्रृंगार नहीं हुआ है तो इतने वर्षों से कर क्या रहे हो, मजदूरी, सेवा की, क्या कर रहे हो तुम। पूरा श्रृंगार होना चाहिए ना, तो क्या आधे श्रृंगार में परमधाम जाना है, आधे श्रृंगार में सतयुग आधा खत्म होने के बाद आना है। श्रृंगार कहाँ है, कर क्या रहे हो। अपने लौकिक की कुछ बातें याद है, मित्र संबंधियों की, स्कूल कॉलेज की याद आ रही, कुछ ना कुछ याद आ रहा है, याद आ रहा है। दुनियावी बातें याद आ रही है, दुनियावी जनरल नॉलेज याद आ रहा है। मतलब वो श्रृंगार अंदर रखने के लिए समय है, अपना श्रृंगार,
समझ है बच्चे, जब भोजन में रोटी खाते हो बरोबर पता है ना ये रोटी है, वो कैसे पता है? तो अंदर ज्ञान शांति सारी चीजें कौन देखेगा? दिव्य संस्कार पवित्र मन ये कौन देखेगा बच्चे? कब देखेंगे? इसी के लिए आए हो ना, खुद का श्रृंगार करके फिर सारे सृष्टि का सबका श्रृंगार करें। कहां पर है खुद का श्रृंगार? कब करोगे? तुम्हें क्या लगता है मैं करूंगा? मेरा काम है वो, मेरा काम है। तुम विश्व कल्याण अर्थ मेरे साथ चल रहे हो, इसलिए विश्व कल्याण के लिए जितना आवश्यक है उतना मैं करूंगा, तुम्हारा नहीं करूंगा, सीधी बात कहता हूं। फिर तुमने सारे सृष्टि का उद्धार भी कर दिया, फिर अंत में नहीं कहना बाबा विश्व कल्याणकारी बनकर भी संकल्प निकट कर रहे, सारे सृष्टि का उद्धार करके भी हमें चांडाल की गति मिली, श्रृंगार किया ही नहीं, तो कौन सी गति मिलेगी? तुम कहोगे 33 करोड़ आत्माओं को परिचय दिया, आपके पास लाया, उद्धार किया, सारे सृष्टि को परिचय दिया आपका, प्रत्यक्षता के निमित्त बने, फिर भी चांडाल की गति, क्योंकि खुद का श्रृंगार किया ही नहीं। और क्या बनोगे भाई, चांडाल नहीं तो? समझ है? हाँ, विश्व कल्याण अर्थ निमित्त बने हो इसलिए राजा बनोगे, पर चांडाल होके राजा ही है पर चांडाल होके। तुमने बाप के कार्य में मदद की उसका फल अलग है, पर खुद का क्या? यज्ञ में बहुत सालों से बच्चे यज्ञ संभाल रहे, उसका मैं फल जरूर दूंगा, पर खुद का क्या? खुद के बारे में क्या विचार करो। इसी से सिद्ध होता है कौन कहां का राजा बनेगा, कौन कहां के रॉयल फैमिली में आएगा, कौन कहां का साहूकार बनेगा। तुम पर है सब, बाप क्या करे? ये नहीं समझना विश्व कल्याणकारी बन गए तो हो गया। नहीं बच्चे, तुम्हारी खुद की भी तो कोई जवाबदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समझ की बात। पढ़कर आईएएस बने और फिर देश सेवा की तो बात निराली है, पर बिना आईएएस बने देश सेवा कर रहे हो, शायद तुम्हें अवार्ड दे देंगे, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, जो भी बड़े बड़े हैं उनमें से कोई, पर खुद के रोजी रोटी का क्या? वो तो सरकार नहीं दे सकती, अवार्ड दे देगी तुम्हें क्योंकि तुमने बहुत अच्छी सेवा की है, बड़ा नवाजा जाएगा तुम्हें, रोजी रोटी का क्या? समझ है बच्चे, अपने श्रृंगार का क्या? बहुत बच्चे सेवा करते करते खुद का श्रृंगार करना ही भूल गए। समझ है? इसलिए बाप शुरू से कहता है याद और सेवा का बैलेंस करो, याद से तुम्हारा परिवर्तन होगा और सेवा से विश्व कल्याण की सेवा होगी। समझ है बच्चे? देख विचार कर तेरा श्रृंगार कहाँ है। ड्रामा बच्चे क्या करना है, बर्तन किसने? राजाओं के घर में, साहूकारों के किस में, साहूकारों के घर में कपड़े धोने सतयुग में? मर्जी तुम्हारी अपनी। फिर ये नहीं कहना बाबा के साथ रहकर भी कपड़े धोने पड़े, बर्तन घिसने पड़े सतयुग में, मैं जिम्मेवार नहीं। समझ है बच्चे, अपने श्रृंगार का क्या? मेरा एक ही सवाल है,
स्वयं का क्या, तुम्हें बस यहां का चाहिए। यहां तुम देखने के लिए राजी नहीं हो, अंदर क्या हो रहा है। बहुतों को बाहर से शांति पसंद है, अंदरूनी शांति का तो अता पता ही नहीं। बहुतों को बाहर का सुख भाव विभोर करता है, परवश कराता है। बाहर का सुख, अंदर आत्मा दुखी है। हजारों सालों से उसका क्या समझ है बच्चे। अपने श्रृंगार का क्या विचार करो, कितना श्रृंगार किया है। श्रीमत अनुसार चेक करो बच्चे, विचार करो। क्या ऐसे ही जाओगे बच्चे? खबरदार रहना, जीवन खराब हो जाएगी। होश में आना, श्रीमत पर चलकर अपना श्रृंगार करना समझ है। देख बच्चे, तुम पर है सब। पर चिंतन से अपना श्रृंगार मत बिगाड़ो, टाइम वेस्ट ना करो। तुम पर चिंतन करते हो या फिर किसी से कराते हो? पर चिंतन, तुम्हें यहां वहां की बातें बड़ी अच्छी लगती है, पर स्व परिवर्तन अच्छा नहीं लगता। पर चिंतन अच्छा लगता है। ड्रामा ही कहेगा बाप। बच्चे, टाइम वेस्ट नहीं करो, चेक करो अपने आप को, अपना श्रृंगार देखो। 10 वर्ष अगर तुम्हें ज्ञान में हुए, 10 गुण भी आए क्या? 50-50% कोई एक गुण, 100% 10 सालों में 10-10% करके हर मास 1% शांति बढ़ रही है। 10 सालों के 120 मास हो जाते हैं। 20 मास छोड़, 100 मास, 100 मास में 100% शांति पूर्ण हुई है। तू कर क्या रहा है समझ? आज भी किसी ने तेरा अपमान किया, अशांत हो जाता है। तेरी गलाने की, अशांत हो जाता है। तेरी निंदा की, तुझसे गलत व्यवहार किया, अशांत हो जाता है। ये तेरी आध्यात्मिकता है? तुरंत ऊपर नीचे ड्रामा। बाप और क्या कहे? शांति कहाँ है? कितने साल हो गए तुझे? शांति कहाँ है? 10 साल में बच्चा 10th standard में पहुंच जाता है, ऐसे लिखना भी सीख जाता है, लेटर लिखना सीख जाता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी लर्न करता है, साइंस पता होता है। और कोई कोई तो बच्चे इतने तेज होते हैं कि 10वीं के बाद अपना खुद का बिजनेस भी खोल देते हैं, छोटा मोटा। तूने क्या पाया यहां पर? 10 साल पहले जो था तेरा मेरा बाबा, आज भी वही है मेरा बाबा, मिला कुछ नहीं। तू जगह के जगह पर है, एक ही जगह पर है। वो कछुआ भी चलता है, चींटी भी चलती है, वो स्नेल भी चलती है, तू जगह के जगह पर है। क्या होगा तेरा? श्रृंगार कितना किया है बच्चे? सतयुग में एडमिशन नहीं मिलेगा, प्रवेश नहीं होगा, देखने को भी नहीं मिलेगा बच्चे सतयुग, अगर तेरे अंदर गुण नहीं है तो, सारा श्रृंगार नहीं है तो। होश में आ जा बच्चे, पूरा पूरा बाप रोज समझा रहा है, पर तू कर क्या रहा है? इस समझाने का फायदा क्या हो रहा है बता जरा। वापिस मुरली के बाद तू उठेगा, टोली खाएगा, अपनी सेवा में लग जाएगा, खाएगा पिएगा सो जाएगा। आज का दिन भी खत्म हुआ।
तुझे कुछ नहीं पड़ी है, तेरी स्वयं की, मुझे ही पड़ी है जो मैं चिल्लाता रहता हूं। कभी कभी लगता है ये भी बंद कर दो चिल्लाना, महाकाल रूप में वापिस ड्रामा कर देता है, वरना मेरा तो मन नहीं होता, पर तेरी भलाई के लिए ड्रामा करता है। अगर ये ड्रामा ने नहीं किया ना, यात्रा समाप्त हो जाएगी, ड्रामा हो जाएगा तेरा। समझ है बच्चे, होश में आ जा। क्या कमाया, कितना कमाया, विचार कर, चार्ट है तेरे पास। जब तू इस ज्ञान में आया था कैसा था, आत्मा की बात कर, पर्सनालिटी नहीं, आत्मा। देख, जब ज्ञान में आया था कैसा था, मेरे साथ जुड़ गया कैसा था, अभी क्या पाया है इतने वर्षों में, गुण मिले, शक्तियां मिली है, दिव्य गुण मिले, ज्ञान मिला है। ज्ञान मना एप्लीकेशन, मनमत परमत छूटी है, श्रीमत समझ में आई है, आत्मिक स्थिति हो रही है, योग लग रहा है, धारणाएं हो रही है, सकाश दे पा रहे हूं, अपने मन को अपने नियंत्रण में रख पा रहे हूं, अपने ऑर्डर में, अपने बुद्धि को, अपने संस्कारों को, गुण शक्तियों को, क्या पाया तुमने, क्या है तुम्हारे पास इतने वर्षों के बाद, विचार करो बच्चे, खाली नहीं बैठो, विचार करो क्या पाया है। खाली रहोगे अकल्याण हो जाएगा, फिर रहोगे अंत में कि इतने वर्ष ज्ञान में चले फिर भी प्रजा बन गए, चंडाल बन गए, किया ही नहीं कुछ, तो और क्या बनोगे। प्रजा बने ये भी बहुत बड़ी बात है। समझ है बच्चे, विचार कर। नारायण के जूते साफ करने वाला भी 16 कला संपन्न संपूर्ण होता है, वो भी नौकरी नहीं मिल सकती तुझे सतयुग में, नारायण के जूते साफ करने के। और संकल्प क्या है, नारायण बनना है, वाह कितना बड़ा संकल्प। और पुरुषार्थ प्रयास कोई नहीं, तुम जरा भी चेंज नहीं होना चाहते। बच्चों ध्यान में रखना, अभी ये मेरी बात सुनकर तुम्हें जो वैराग्य आ रहा है किसी काम का नहीं। ये क्लास, इसके शॉर्ट्स कहीं सुने तुमने, वापिस वैराग्य जगा किसी काम का नहीं। तुमने देखा कोई और कर रहा है और तुम कर रहे हो किसी काम का नहीं। किसी और ने चर्चा की और तुम कर रहे हो किसी काम के नहीं। कोई आधार नहीं है, कोई उस प्रकार के सर्कमस्टांस नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है, और सिर्फ तुम हो और तुम्हें लगता है ये करना चाहिए तब होगा। और सिर्फ होगा नहीं, परिवर्तन वाला होगा, कल्याण वाला होगा। पर ध्यान में रखना, आधार नहीं होना चाहिए, फिर आत्मिक स्थिति भी क्यों ना हो। तुम देखो तुम्हें खुद को लगता है क्या, किसी ने कितना अच्छा भी भोजन बनाया लाया, फिर भी जब तक तुम्हें भूख नहीं लगती नहीं खाते ना, ये समझी होती है ना समझी। हाँ एक टेस्ट करके देखते कैसा है, ना समझे, उन्होंने कहा अरे वो खा लिया एसिडिटी हो गई, तुम्हारा मन नहीं था ना खाने का। समझ है बच्चे, और क्या होगा एसिडिटी नहीं तो। तुम्हें खुद से कभी लगता है कि आत्मिक स्थिति में आना है, कल भी पूछा था ना या परसों। देख विचार कर, तुझे खुद से नहीं लगता कुछ कि तुझे शांत स्वरूप बनना है,
मेरे कहने से मत बन। मैं ये भी कहूंगा वो बकवास बात हुई फिर, मेरे कहने से बनेगा तो, क्योंकि तुझे बनना ही नहीं, मैं कह रहा हूं इसलिए बन रहा है। तुझे नहीं लगता, कम से कम स्वयं के जितना ज्ञानी बनना है कि स्वयं को कोई लौकिक कर्म ना सिखाए, अलौकिक बात ना बताए, पारलौकिक ज्ञान पूरा पूरा मेरे पास हो, स्वयं जितना नहीं लगता। फिर भी तुझे कोई ना कोई बताता रहता, अलौकिक भी, अरे ये किसने रख, सॉरी सॉरी हमने रख दिया, अभी उठाने वाले थे, ज्ञान नहीं इसके पास। समझ है बच्चे, इसको समझ में नहीं आता, बिल्कुल ज्ञान नहीं है। अलौकिक ब्राह्मण परिवार में आए, कोई ज्ञान नहीं, सेंटर पर आकर कैसे बैठना है, कैसे उठना है। अलौकिक ब्राह्मण परिवार में सबके प्रति रिस्पेक्ट रिगार्ड कैसे रखना है, मधुबन के प्रति क्या भावना होनी चाहिए, क्या भाव होना चाहिए, कुछ भी इसे पता नहीं। और परमधाम में बाबा को तो याद करता है, इसके लिए बस एक लाइट है, वो परमात्मा नहीं है, वो एक स्वरूप है, उसके लिए परमात्मा नहीं है, वो बस एक स्वरूप को याद करता है, परमात्मा को याद नहीं करता। परमात्मा को याद करे तो याद टूटेगी नहीं, स्वरूप को याद करे वो तो आकृति हो गई, याद जरूर टूट जाएगी, आकृति से किसका कल्याण हुआ है। समझ है बच्चे, नहीं होता किसी का कल्याण। देख विचार कर, स्वयं जितना भी है क्या तेरे पास, इतने वर्षों में कमाया हुआ, दूसरों को देने जितना तो छोड़ दे, स्वयं जितना विचार कर, क्या पाएगा 84 जन्मों में, दुख या सुख, विराट या थोड़ा सा, विचार कर तू क्या पाएगा, तूने क्या कमाया है, क्या जमा किया है, श्रृंगार किया है अपना, विचार कर पूरा पूरा। समझ के बाद बहुत बच्चे टाइम वेस्ट करते रहते हैं, यहां वहां ऐसे वैसे, उन्हें खबर ही नहीं है समय कितना कीमती है। झरमुई झगमुई में समय जाता रहता है, रोने धोने में, चिंता करने में, चिंतन करने में, दुखी होने में, संसार के पीछे परेशान होने में समय चला जाता है। ऐसे बच्चे, इन सभी बच्चों को क्या लगता है पता है, सबको लगता है सब ठीक रहे ना फिर हम अच्छे से पुरुषार्थ करेंगे, सब हमसे ठीक रहे, बाबा भी रहे, परिस्थिति ठीक रहे, शरीर स्वस्थ रहे, मन ठीक रहे, फिर हम करेंगे। ये दुर्गति को पाएगा, इसको खबर ही नहीं कि ये कलयुग है जहां कुछ भी ठीक नहीं रह सकता, परमात्मा भी तुम्हारे साथ ठीक से नहीं चलेगा क्योंकि कलयुग है। करना हो उद्धार तो करो, नहीं तो छोड़ दो रास्ता, तुम्हारी अपनी मर्जी। समझ है बच्चे, यहां कुछ भी तुम्हारे साथ सही नहीं होगा, क्या करोगे, उद्धार नहीं करना है अपना, ड्रामा। और क्या कहे बाप, सब बच्चे किसी न किसी बात की राह देख रहे हैं। बच्चों मैं लिख के देता हूं, अंत तक कुछ भी ठीक नहीं होगा, बल्कि अभी ठीक है, आने वाले समय में और बिगड़ता जाएगा, फिर क्या करेगा, विचार कर। एक एपिडेमिक आया, क्या हालत हुई, एक वॉर लगी, क्या हालत होगी, एक बाढ़ आए, भूकंप हुआ, क्या हालत होगी, विचार कर। अभी ठीक है बच्चे सब, तू और कौन से ठीक के भरोसे बैठा है,
तुझे कौन सा ठीक चाहिए, किस प्रकार का ठीक चाहिए? और अरे शरीर स्वस्थ है काफी नहीं है, छोटा मोटा होगा इधर उधर शरीर में पेन, पर बाकी तो स्वस्थ है। मन बुद्धि संस्कार को कोई चिंता नहीं, काफी नहीं। धन दो टाइम खाने जितना है, काफी नहीं। परिवार जो है जैसा है, भले रोज झगड़ा करता है, एक घंटा दो घंटा चार घंटा 20 घंटे तो ठीक है, जब ज़ॉम्बी बनेंगे तो क्या करेगा, किसको कंप्लेन करेगा? जब खाना पीना ही खत्म हो जाएगा इस संसार का तो क्या करेगा? बीमारियां ही बीमारियां आएंगी, क्या करेगा? धन का नामो निशान नहीं होगा, क्या करेगा? होगा तो चलेगा नहीं, क्या करेगा? ऐसे केस में विचार कर, जो है सब ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करो। बहुत बच्चे वेस्ट करते हैं टाइम बहुत सारी बातों में, उन्हें पता भी नहीं है। बहुत बच्चे कहेंगे नहीं बाबा हम तो टाइम वेस्ट नहीं करते, तो बताओ मुझे टाइम कहाँ बचाते हो, बचाते कहाँ हो बताओ? समझ है, मुझे तो कभी दिखता नहीं कि तुम कहीं बचाते हो। देख बच्चे कमाया क्या है, फिर रोना पड़ेगा? अगर कुछ भी नहीं कमाया तो फिर कहना नहीं बाप को कि बाबा ये क्या हुआ? बाबा भी कहेगा बच्चे ड्रामा। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप से भी तीखे जादूगर हो, कैसे? उत्तर है, यहाँ बैठे बैठे तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसा अपना श्रृंगार कर रहे हो, यहाँ बैठे अपने आप को चेंज कर रहे हो, यह भी जादूगरी है। सिर्फ अल्प को याद करने से तुम्हारा श्रृंगार हो जाता है, कोई हाथ पाँव चलाने की भी बात नहीं, सिर्फ विचार की बात है। योग से तुम साफ स्वच्छ और शोभनिक बन जाते हो, तुम्हारी आत्मा और शरीर कंचन बन जाता है, यह भी कमाल है ना? बच्चे आत्मा और शरीर दोनों कंचन बन रहे तो क्यों नहीं करते योग दिन रात? विचार कर बच्चे, क्यों नहीं करता? जहां सारी प्राप्तियां हैं उसे ही तूने छोड़ दिया, और जहां सिर्फ एक प्राप्ति मिलती है उसके पीछे पड़ा है ड्रामा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा धारणा के लिए मुख्य सार है, एक नंबर, दूसरी सब बातों को छोड़ इसी धुन में रहना है कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगारधारी कैसे बने। देखो यही बात बाप साफ कह रहा है, दूसरी सब बातों को छोड़। दो नंबर, अपने आप से पूछना है कि पहला पॉइंट, हम श्रीमत पर चलकर मन मनाब हो की चाबी से अपना श्रृंगार ठीक कर रहे हैं, चेक करो। दो नंबर, उल्टी सुल्टी बातें सुनकर व सुनाकर श्रृंगार बिगाड़ते तो नहीं है। तीन नंबर, आपस में प्रेम से रहते हैं, अपना वैल्यूएबल टाइम कहीं पर वेस्ट तो नहीं करते हैं, चेक करो। चार नंबर, दैवी स्वभाव धारण किया है, विचार करो। वरदान है, संकल्प व्यर्थ संकल्पों के कारण को जानकर उन्हें समाप्त करने वाले समाधान स्वरूप भव। व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने के मुख्य दो कारण हैं, एक नंबर अभिमान और दूसरा अपमान।
मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए। तो इसमें या तो अपना अपमान समझते हो या फिर अभिमान में आते हो, नाम में, मान में, शान में, आगे आने में, सेवा में अभिमान या अपमान महसूस करना यही व्यर्थ संकल्पों का कारण है। इसी कारण को जानकर निवारण करना ही समाधान स्वरूप बनना है। कल परसों बताया ना, सेवा कर रहे हो, उठा चलो आप ठीक से नहीं कर रहे हो, आप आ जाओ, तुरंत अपमान लगता है, और ठीक से की तो बाबा अच्छे से हुई ना सेवा, अभिमान आया। इसलिए सेवा बेहद खतरनाक है, इसे सपने में भी याद नहीं करो, मरोगे, या तो अपमान या तो अभिमान, दोनों में से एक आपको चिपका हुआ रहेगा। 100% सेवा में आप इससे मुक्त नहीं हो सकते, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हाँ, श्रीमत अनुसार बाप ने सेवा कराई है, बाप ने, और तुझे भी होश है बाबा ने किया है पूर्ण रूप से। बहुत बच्चे कहते हैं ना बाबा ने किया, इसको कहो तुझे क्या अकल है करने की, बाबा ही तो करेगा तेरे से। इसका मूड देखो, क्यों अब मूड क्यों बिगड़ रहा है, कहीं तो भाव है ना, मैंने किया, समझ है, मैंने किया बोला, ये आए अपमान या अभिमान, समझ है बच्चे, बाकी तेरी मर्जी, इन दो में ही तू चलता रहता है। आध्यात्मिक राह पर हर व्यक्ति इन दो में ही घूमता रहता, इनके चक्र में ही फंसा रहता है, या अपमान या अभिमान, उसको खबर भी नहीं कि इनके चक्रों में आ गए। दोनों भी अ से शुरू होते, अभिमान अपमान, दोनों में भी लास्ट में मान है, ड्रामा, समझ है बच्चे, चेक कर, तू इसी में है, मेरे को क्यों कम समझते हैं, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए, समझ है। कभी कहते हो ना बाबा इतने दिनों से आपको हम पर कॉन्फिडेंस था, अभी क्या हुआ, माँ या बात कर रही है, इतने दिनों से आपने हमें सेवा दी थी, अभी क्या होगा, ये आई मैपन की माया आई, अभी क्या हुआ, पूछते रहते अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ, चाहिए तुझे सेवा, चाहिए इसे, बस वो दे दो इसको जो चाहिए, ये पागल व्यक्ति है, इसको बस अपने हिसाब से चाहिए, पागल है एकदम, मेरे हिसाब से तो पूर्णता पागल है, मैड है ये, गलती से यहां आया है, और क्या कहूं मैं, परमात्मा है, जैसे जो चाहे सेवा कराए, जिस प्रकार चलाए, समझ है, पर इसको सहन नहीं होता, मेरा भी ये पद होना चाहिए, समझ, किसी को एडमिन बनाओ कभी किसी भी संस्था का, नहीं छोड़ता वो पद, मेरा भी पद होना चाहिए, हमें कोई कमी है क्या, हम सही से सेवा नहीं कर पा रहे क्या, आपने उनको एडमिन बना दिया, तुझे क्या लेना देना है, आए सवाल, ये माया है, इसको बस बड़प्पन चाहिए, दिखावा चाहिए, आई एम डूइंग समथिंग, मरेगा मरेगा पूरा, दुर्गति को पाएगा, ड्रामा। स्लोगन है, साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वीट होम की यात्रा करना बहुत सहज है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चों टोली खाओ और अपना संगम का भाग्य और वर्षा लो। बाकी वाड़ रामावा। अच्छा, ओ शांत।
ओम शांति। बंधन मन के मिटा दे जो